दो दिन में निकली नेपाल की अकड़। जी हाँ, चीन के रास्ते पर चल रहे ओली का दिमाग ठिकाने आ गया है। इसीलिए तो भारतीय समाचार चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को उसने हटा दिया है। दरअसल पीएम केपी शर्मा ओली और चीनी राजदूत को लेकर किए गए कवरेज से नाराज होकर नेपाल ने भारतीय चैनलों को प्रतिबंधित कर दिया था। केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा था कि कुछ चैनल अभी आपत्तिजनक कार्यक्रम दिखा रहे हैं जो अभी भी नेपाल में प्रतिबंधित हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक बड़ी संख्या में नेपाली दर्शकों ने भारतीय न्यूज चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है और उसके दबाव के आगे झुकते हुए नेपाल के केबल ऑपरेटरों को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा और नेपाल में भारतीय चैनलों का प्रसारण शुरू हो गया है। ये प्रतिबंध हटाते ही केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि जिन भारतीय न्यूज चैनलों को नेपाल में प्रसारण की अनुमति दी गई है, अगर उन्होंने दोबारा आपत्तिजनक सामग्री दिखाई तो उन्हें फिर से बैन कर दिया जाएगा। इससे पहले नेपाल ने सीमा विवाद के बाद कार्रवाई करते हुए भारतीय न्यूज टीवी चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी और नेपाल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश भी जारी नहीं किया था। लेकिन नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया था और ये सब नेपाल ने किया चीन के नक्शे कदम पर। आपको बता दें कि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन को डर था कि वहां के लोगों को भारतीय समाचार चैनलों के माध्यम से सीमा के हालात की सही जानकारी मिल सकती है। तो इधर ओली भी सत्ता में राष्ट्रवाद के सहारे बने रहना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी नक्शा विवाद तो कभी नागरिकता कानून के जरिए भारत के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन चीनी राजदूत के साथ उनकी नजदीकियों को लेकर नेपाल में ही अब तो विरोध शुरू हो गया है। लेकिन नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा को वहीं की जनता ने सबक जरूर सिखा दिया, क्योंकि भारत और नेपाल की जनता एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन न्यूज चैनलों के जरिए ही नेपाल की जनता को पता चलता रहता है कि भारत का नेपाल की तरफ क्या रुख है। लेकिन अब नेपाल दर्शकों की डिमांड के आगे झुक गया और भारतीय न्यूज चैनलों से प्रतिबंध को हटा दिया। अब देखना होगा कि ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए और क्या कुछ करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।